ओके गाइस, अपने चैनल पे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं सब पेंटिंग के रिलेटेड ही आ रहे हैं। अभी जो मोस्टली बना रहा हूँ मैं वीडियोस वो पेंटिंग के ऊपर ही है, जैसे कि टायर पेंट किया तो अपने रश निकाल के वो पेंट करा। तो डेंटिंग के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा कुछ प्लान नहीं था, बट अभी एक छोटा सा डेंट आ गया मेरे एक्टिवा पे, सोच रहा हूँ कि वो निकालने का ईजिएस्ट वे बताओ आपको। तो कभी कभी क्या होता है, अपन जब भी डेंट निकालते तो उससे कलर भी निकल जाता है। ऐसा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ जिसमें बड़ा सा डेंट था बट उसमें कलर नहीं गया था। जैसे ही मैंने डेंट निकालने के लिए गैरेज में दिया तो उसने पूरा, मतलब वो लोग पूरा पार्ट निकालते फिर ऐसा नीचे रख के वो लोग ऐसा ऐसा मारते जोर जोर से हथौड़ी से, तो उससे क्या कलर भी निकल जाता है, फिर अपन को पेंटिंग भी देना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप डेंट निकाल सके और पेंट भी नहीं निकले, तो वो एक ईजिएस्ट वे मैं आपको बताने वाला हूँ। बाद में मेरे को कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया, कम से कम मेरे को पूरा पैनल, वो जो साइड पैनल होता है एक्टिवा लिखा होता है, तो पैनल को मेरे को पूरा डेंटिंग भी कराना पड़ा फिर पेंटिंग भी कराना पड़ा, तो उसको मेरे को कम से कम 1500 रुपया लग गया। तो मैं एक ये वीडियो में एकदम ईजिएस्ट वे बताऊंगा कैसे डेंट निकाले। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डेंट आया किधर है। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी इधर एक छोटा सा डेंट आ गया है, इधर एक डेंट है और इधर एकदम प्लेन पार्ट है, तो इधर मेन डेंट आया हुआ है। तो अपन ये डेंट को कैसे निकालेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। अगर मैं ये पार्ट पूरा मैकेनिक को दे दूँ डेंट निकालने के लिए तो वो ये पूरा पार्ट निकालेगा फिर ऐसा ज़मीन पे रख के वो ठोकेगा जोर जोर से, जिसकी वजह से ये पेंट भी निकल जाएगा, फिर मेरे को पेंटिंग के लिए भी देना पड़ेगा। अपन ये निकाल लेंगे, ये वाला हुड निकाल देंगे। ये वाला हुड निकालने के बाद अपन यहाँ से पूरे स्क्रूज निकाल देंगे ताकि अपन मतलब यहाँ से इजीली एक्सेस हो जाएगा। तो ये इधर सब स्क्रूज निकाल देंगे ना तो ये थोड़ा पार्ट ऐसा बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले अपन ये निकाल लेंगे। तो मैंने निकाल दिया बट अभी मेरे को यहाँ तक हाथ मेरा तो जाएगा नहीं ऐसा डेंट निकालने के लिए। ये दो नट निकालना पड़ेगा और यहाँ के जो भी स्क्रूज है वो निकाल दूंगा, तो ये क्या ये आराम से ये पार्ट जो है वो आराम से अपन खोल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये दो नट और वो पूरे सब स्क्रूज निकाल दूँ। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी मैंने ये निकाल दिया है, मतलब इधर से जितने भी आप स्क्रूज निकाल दोगे ना तो डायरेक्ट ये निकल जाएगा और इधर का दो नट है बस, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। तो अभी क्या करने का है मैं आपको बताता हूँ। तो इधर अपना डेंट है तो इसको अपन हल्के से पकड़ेंगे ये पत्रे को, और ये जो हथौड़ा है मेरे पास एकदम छोटा सा, तो छोटा हथौड़ा का यूज़ करो आप। तो हथौड़े से एकदम हल्के हल्के से अपन मारेंगे तो सीधा डेंट बाहर आ जाएगा। मैंने अच्छे से पूरा डेंट निकाल दिया है और ये अच्छे से डेंट निकल गया पूरा। पहले ये पूरा अंदर था, यहाँ से आप स्टार से देख सकोगे तो पूरा अंदर था, अभी मैंने पूरा ठोक ठोक के बाहर लेके आ गया हूँ। मैं तो एक ही सजेस्ट करूंगा कि हल्के हल्के से ठोको, ऐसा बाहर आ जाएगा अपने आप। अगर आपका समझो ये मेरा ये वाला पार्ट है मेरे, मतलब मेरे टाइम पे अगर आपका ये वाला पार्ट है तो आप इसको पूरा निकालो फिर थोड़ा सा ठोको, क्योंकि एक ब्लू एक्टिवा भी था मेरे भाई के पास तो उसका भी थोड़ा डेंट हो गया था, तो मैंने उसको ठोक ठोक के बाहर निकाला था, तो पूरा यह बॉडी निकाला मैंने बाहर, तो हल्के हल्के से ठोका तो हो गया पूरा ठीक। अगर आप मैकेनिक के पास दोगे या फिर पेंटर के पास दोगे तो पूरा निकालेगा जमीन पे ठोकेगा, तो डेंटिंग का भी कॉस्ट लगेगा फिर आपको पेंटिंग का भी कॉस्ट लगेगा। देखो इधर इधर मैंने आराम से एकदम ठोका तो क्या अच्छे से पूरा बाहर आ गया। तो सबसे पहले मैं पूरा पैक कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो जैसे कि आपने देखा मैंने इजीली एकदम डेंट निकाल के बताया। याद है सबसे मेन क्वेश्चन की तरफ कि आप गर्म पानी से डेंट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, तो यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियोस हो गए जो मतलब गर्म पानी डालते हैं फिर ऐसा डायरेक्ट कार का डेंट निकाल देते हैं। तो अभी वो सीन क्या होता है कि उसमें वो प्लास्टिक होता है, मतलब जो बम्पर्स में वो लोग पानी डालते हैं या फिर हेयर ड्रायर भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देखा होगा व्हाट्सएप वाले वीडियोज़ में, तो हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं तो वो जो चीज़ होता है वो प्लास्टिक होता है। तो प्लास्टिक से जैसे कि अपन हीट करते हैं प्लास्टिक को तो भी वो शेप में डाल लेता है। तो ऐसे या एक्टिवा में आप ये कर नहीं सकते हो कि मतलब पानी डालोगे और आपका डेंट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये मेटल है तो मेटल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है जब भी आप डेंट निकालते हो, या मेटल को डिफॉर्म करते होगे तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। वो जो चीज़ है जो गर्म पानी डालते हो वो सिर्फ गाड़ी के बम्पर्स में ही हो सकता है, क्योंकि एकदम पतला होता है वो प्लास्टिक भी और एकदम फ्लेक्सिबल होता है। भी एक बार ट्राई किया था कि पानी से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, क्योंकि पहले भी एक बार डेंट आया था मेरे को याद है, तो मैंने पानी डाल के देखा था एकदम सुबह सुबह फटाफट गया पानी डाला, पानी से एकदम गर्म हो गया था हाथ भी, मैं मेरा टच होने के लिए एकदम मतलब एकदम फटक से चटका लग रहा था इतना मैंने गर्म कर दिया था, तो भी नहीं निकल रहा था डेंट। सॉल्यूशन है जिससे आप डेंट निकाल सकते हो इजीली और एकदम छोटे हथौड़े का यूज़ करो और आराम से ठोको तो आराम से आपका डेंट निकल जाएगा। मेरे केस में तो ये वाला पार्ट था, अगर आपका दूसरा कोई पार्ट होगा ये लेफ्ट साइड का होगा राइट साइड का होगा या फिर कोई दूसरा पैनल होगा
तो उस पर आप डेंट निकाल सकते हो इजीली। सो वही गाइज आज के लिए बस इतना ही, आई विल बी एंडिंग अप माई वीडियो यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, होप यू गाइज सी इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर, और जाके अपना डेंट निकालो।